हेलो, मैं चंदन कुमार और इस वीडियो में बताने वाले हैं संक्षारण विकृत ग्रंथिका भोजन को सुरक्षित रखने का क्या तरीका है जो अलनशील ताप अदहनशील या अदाह्य पदार्थ दहन और ज्वलन ताप या प्रज्वलन ताप, इन सभी टॉपिकों पर इस वीडियो में चर्चा करने वाले। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है कि संक्षारण। संक्षारण से आप क्या समझते हैं, संक्षारण किसे कहते हैं या संक्षारण के बारे में बताएं। तो इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। सबसे पहले आते हैं संक्षारण। संक्षारण क्या, वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें धातुएं वायु नमी या अम्ल से अभिक्रिया कर अवांछनीय पदार्थों का निर्माण करते हैं। अवांछनीय का मतलब समझ लेंगे कि जो उपयोग हेतु न हो, यानी कि अनुपयोगी हो, खराब हो, ठीक है। संक्षारण वह रासायनिक प्रक्रिया है। संक्षारण क्या है, तो एक रासायनिक प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें क्या होती है कि धातु जो होती है वो वायु नमी और अम्ल से क्या करती है, अभिक्रिया करती है और अवांछनीय पदार्थों का निर्माण करती है। समझ में आ गया होगा कि क्या है संक्षारण, वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें धातु वायु नमी और अम्ल से अभिक्रिया करके अवांछनीय पदार्थ का निर्माण करती है। नेक्स्ट है संक्षारण। संक्षारण को रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहा जाता है, ठीक है। संक्षारण को क्या कहा जाता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट है विकृत गंधिता। विकृत गंधिका गंधिता क्या है, तो इसको समझते हैं। वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों में, वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों में क्या होना चाहिए, वसा या तेल से बना खाद्य पदार्थ होना चाहिए, यानी कि खाने वाली वस्तुएं होनी चाहिए, पदार्थ होने चाहिए, में उपचयन की क्रिया के कारण, किसके कारण, उपचयन की क्रिया के कारण अरुचिकर गंध और स्वाद का उत्पन्न होना विकृत गंधिता कहलाती है। समझ में आ गया होगा आसानी से कि क्या वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों में, किसमें होना चाहिए, वसा एवं तेल से बने खाद्य पदार्थों में उपचयन की क्रिया के कारण, किसके कारण, उपचयन की क्रिया के कारण अरुचिकर, यानी जो खराब हो, जिसमें रुचि न हो, ठीक है, अरुचिकर गंध और स्वाद उत्पन्न होना विकृत गंधिता कहलाती है। नेक्स्ट, चिप्स बनाने वाले चिप्स की प्लास्टिक थैली से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, जिससे चिप्स का उपचयन नहीं होता है और चिप्स का स्वाद काफी दिनों तक तो खराब नहीं होता है। अब माने कोई भी चिप्स बनता है, कोई भी प्रकार का हो, उसमें जो प्लास्टिक की थैली होती है उसमें से क्या किया जाता है, ऑक्सीजन को निकाल दिया जाता है और ऑक्सीजन को निकाल कर नाइट्रोजन गैस उसमें भर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि उपचयन की क्रिया नहीं होती है और चिप्स का स्वाद जो है, यानी कि उसकी क्वालिटी जो होती है वो अच्छी रहती है, खराब नहीं होती है। तो इसमें क्या करेंगे कि चिप्स बनाने वाली फैक्ट्री में ये चीज़ याद रखेंगे कि चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भर जाती है। यहाँ ये चीज़ याद रखेंगे कि चिप्स के जो पैकेट होते हैं उसमें से कौन सी गैस निकाली जाती है और कौन सी गैस भरी जाती है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि ऑक्सीजन गैस को निकाल दिया जाता है और नाइट्रोजन गैस को भर दिया जाता है। नेक्स्ट, भोजन को सुरक्षित रखने का क्या कौन कौन सा तरीका है या कौन कौन से उपाय है। तो भोजन को सबसे पहला है कि खाद्य पदार्थों को रेफ्रिजरेटर में रखकर, रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में रखकर, यानी कि फ्रिज में भोजन को फ्रिज में रख के सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका है वायुरोधी बर्तनों में रखकर, वायुरोधी जिसमें वायु ना जाए, ठीक है, या ना, तो वायुरोधी बर्तन में, वायुरोधी कहने का मतलब है कि यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है, अभी बताया कि यहाँ पे ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, किसी भी चीज में ऑक्सीजन को निकाल देंगे, नाइट्रोजन गैस भर देंगे तो वो अधिक समय तक सुरक्षित रहता है, तो वायुरोधी बर्तन में। दूसरा, और तीसरा है प्रकाश से दूर रखना, ठीक है, तीसरा क्या है, प्रकाश से दूर रखना। प्रकाश से दूर रखेंगे तो भोजन क्या है, मतलब जितना देर रहना चाहिए उससे अधिक देर तक सुरक्षित रह सकते हैं। जैसे रेफ्रिजरेटर में क्या होता है कि कोई भी चीज को ठंडा करके रखा जाता है, प्रकाश उसमें नहीं रहता, क्या रहता है, ठंडा रहता है, ठंडे के कारण क्या रहता है कि भोजन अधिक देर तक सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट, दहनशील या ज्वलनशील। दहन का अर्थ होता है जलना, दहन का अर्थ क्या होता है, जलना, यानी दहन जैसे ही बनेंगे तो वो जलता है, और दहनशील जो जलने योग्य हो, और अदहनशील जो जलने योग्य न हो। दहनशील यानी जो जलने योग्य हो और अदहनशील जो जलने योग्य न हो। अब आते हैं इसको दहनशील पदार्थ कहते हैं, तो वैसे पदार्थ
जो क्या करते हैं दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ करते हैं, क्या करते हैं जलते हैं, वैसे पदार्थ जो जलते हैं क्या करते हैं जलते हैं, वैसे पदार्थ जो जलते हैं दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं, नहीं से अदहनशील या अज्वलनशील पदार्थ। तो वैसे पदार्थ जो नहीं जलते हैं क्या करते हैं, जो नहीं जलते हैं अदहनशील या अज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। अगर दहनशील पदार्थ का उदाहरण पूछेगा तो उसका सबसे छोटा छोटा उदाहरण दे देंगे कागज, उसके बाद मोमबत्ती, लकड़ी, काठ, काठ लकड़ी दोनों से मिलकर, ठीक है। तो ये सभी जो है वो जलने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद रस्सी, रस्सी भी जो होगा लैलून का वो क्या होगा जलने वाला होगा। तो जो चीज जलेगा वो ज्वलनशील पदार्थ कहलाएगा, ठीक है। और जो चीज न जलेगा जैसे ईंट, पत्थर, गिट्टी, ये सभी क्या है नहीं जलने वाले, तो वो अज्वलनशील पदार्थ में आ जाएंगे। नेक्स्ट है ज्वलन ताप या प्रज्वलन ताप। अब इसको समझते हैं पहले थोड़ा सा कि ज्वलन ताप क्या है। तो कोई भी वस्तु को जब जलाते हैं, ठीक है, तो उसको ज्वलन ताप की आवश्यकता होती है, ठीक है। यानी कि कोई भी जब चीज जलाएंगे तो उसमें क्या चाहिए ताप चाहिए, और जिस ताप पर वो जलना शुरू कर देता है, जलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, शुरू हो जाता है, वो उसका ज्वलन ताप कहलाता है। अब आते हैं यहाँ पे लाइन बाई लाइन समझते हैं क्या है कि किसी पदार्थ को जलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो ताप की आवश्यकता होती है। पहले बताइए कि किसी भी चीज को जलाने के लिए ताप की आवश्यकता होती है, और जिस न्यूनतम ताप पर यानी कम से कम ताप पर, ठीक है, कम से कम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है तो उसे उस ताप का ज्वलन या प्रज्वलन ताप कहते हैं या कहलाता है। जैसे कोई पदार्थ किसी भी पदार्थ को जलने के लिए ताप की आवश्यकता होती है, और वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है ज्वलन ताप कहलाता है। सो इस वीडियो में कितना टॉपिक था, चार पांच टॉपिक था। पहला था संक्षारण, दूसरा था विकृति गंध निकाल, तीसरा था भोजन को सुरक्षित रखने के उपाय, फिर नेक्स्ट था ज्वलनशील पदार्थ या आधार पदार्थ, और ज्वलनशील पदार्थ या आधार पदार्थ उसका दहन से क्या समझते हैं, यानी दहन का क्या अर्थ होता है, और ज्वलन ताप, ये सभी इस वीडियो का टॉपिक था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। वीडियो बने रहे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते हैं।